अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल टू एडवेंटेज। मैं शेख चैधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त डिश जिसकी बहुत डिमांड आ रही थी। बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई टाकोज बना के दिखाएं, टाकोज बना के दिखाएं। तो आज फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम बीफ चॉप टाकोज बनाएंगे, बेक टाकोज। दो तरह के टाकोज बनते हैं, अनबेक भी बनते हैं, बेक भी बनते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं बेक्ड, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली किसी वीडियो में आपको अनबेक टाकोज भी दिखाएंगे। तो चलिए, टाकोज बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज हम यूज़ कर रहे हैं रेडीमेड टाकोज जो हमें यहाँ मार्केट में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम रेडीमेड ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको टाकोज का बता भी दूंगा बनते कैसे हैं। जस्ट अ सिंपल रेसिपी, कॉर्न के ही आपने फ्लोर को जो है उसमें ये बनते हैं, और इनको किस तरह, क्योंकि इसका थोड़ा सा इसका बैटर तैयार करने का, आटा यानी डो जो हम तैयार करते हैं उसका एक तरीका अलग होता है। वो जस्ट जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा टाकोस सिखाने के लिए कि किस तरह बनते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर वो भी बताएंगे आपको। टाकोस फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने लिया 750 ग्राम चॉप बीफ। उसके साथ सबसे पहले हमने ली हाफ ऑनियन, एक टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, एक टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, ब्लैक पेपर एक टेबल स्पून, वाइट पेपर एक टेबल स्पून, वेजिटेबल सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, विनेगर यानी सिरका एक टेबल स्पून, सोया सॉस एक टेबल स्पून, बेल पेपरिका हमने दो कलर्स की ली है, जैसे चाहे आप ले लें एक कलर की ले लें या मिक्स आप करना चाहें मिक्स भी कर सकते हैं, वो हमने बारीक चॉप की, स्वीट कॉर्न एंड रेड बीन्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ये डालना चाहें या वट एवर यू लाइक आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कीमे की कुकिंग। हाफ फ्लेम के ऊपर हमने अपने पैन को गर्म कर लिया है। और अच्छा जी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे ऑयल, लेकिन ऑयल हमें जस्ट टेबल स्पून लेना है, जो कि हमें सिर्फ अपनी जो प्याज है उसको हमें लाइट गोल्डन कलर में लाना है, क्योंकि इसमें जो बीफ यूज़ कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी फैट है, तो इसमें हम बिल्कुल ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फिलिंग के लिए जो हमें कीमा तैयार करना है ना उसमें बिल्कुल भी लिक्विड नहीं होना चाहिए, थोड़ा ड्राई होना चाहिए। तो हमने देखें ऑयल बिल्कुल भी नहीं लिया है, बहुत थोड़ा ऑयल हमने लिया है, इसको हम एक लाइट गोल्डन कलर होने तक इसको फ्राई करेंगे। अलहम्दुलिल्लाह जी, देखिए हमारी प्याज एक लाइट गोल्डन कलर में आ चुकी है। अब हम इसमें एक टीस्पून जिंजर पेस्ट, एक टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और अच्छी तरह इसको भी थोड़ा सा एक मिनट के लिए इसका भी कच्चापन खत्म करेंगे। ये ऐड करेंगे, और एक लो फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको रखना है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, इसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो कीमे में जो फैट है सारा उसी में ये कुक हो, क्योंकि अगर हम इसमें एक्स्ट्रा ऑयल डाल देते हैं ना तो फिर जब आप इसकी फिलिंग टाकोस में करेंगे तो ये इसमें ऑयल भी होगा, जिसकी वजह से आपके टाकोस में से जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा बेक करते वक्त। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, तभी आपके टाकोस जब आप खाएंगे तो आप उसका क्रंच ख़त्म नहीं होगा, उसमें ऑयल ज़्यादा होगा वो सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा अच्छी तरह फ्राई हो गया है, पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है, हमें इसको ड्राई ड्राई बनाना था। देखें, हमने इसमें ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं किया था। एंड नेक्स्ट, अब हम इसमें बाकी के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल सॉल्ट, ये थोड़ा लाइट होता है,
लेकिन फिर भी आप हसबे जायका यूज़ करिएगा, जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतना यूज़ कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट हमने ब्लैक पेपर और वाइट पेपर मिक्स किया हुआ था, एक टीस्पून ब्लैक पेपर का आ गया और एक वाइट पेपर का आ गया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एंड नेक्स्ट हमने विनेगर लिया था यानी सिरका, ज़्यादा नहीं लेना कड़वा कर देगा टेस्ट को। एंड नेक्स्ट सोया सॉस, इसमें अगर आप चाहें तो टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं इस वक्त नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एक ही फ्लेवर में रखना चाह रहा हूँ। बाकी रेस्टोरेंट में जब हम ये टाकोस की कुकिंग करते हैं तो हम वहाँ टोमेटो सॉस भी यूज़ करते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करें और बहुत ही एक ज़बरदस्त फ्लेवर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिरका सोया सॉस ब्लैक पेपर वाइट पेपर जब इसमें जाएगा तो कितना ज़बरदस्त फ्लेवर अरोमा आपके किचन में आएगा। एंड आई एम जस्ट फीलिंग इट नाउ एंड इट्स गोना बी यम्मी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये डिश बहुत पसंद आनी है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा एक बिल्कुल अलग अलग दानेदार और इसमें एक हल्का सा हमें थोड़े हाई फ्लेम के ऊपर रख के क्रिस्पी करना है, हमें थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। कीमा हमारा तकरीबन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न क्योंकि हमें इन चीज़ों को ज़्यादा पकाना नहीं है, इन्हें हमें कच्चा कच्चा रखना है, हाफ हमें कुक करना है सिर्फ। इसलिए हम जब हमारा कीमा रेडी हो गया तकरीबन फिर हम इसमें रेड बीन्स और स्वीट कॉर्न और अपने वेजिटेबल्स को इसमें ऐड करेंगे जो हमने बेल पेपरिका लिए थे, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे और इनको जस्ट हाफ हमें कुक करना है। देखिए जी कितना ज़बरदस्त इसका कलर लगने लगा है। बहुत लाइट हमें आप देने कुक करना है लेकिन आप फ्लेम को हाई रखिएगा ताकि कीमा आपका क्रिस्पी हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखिए हमारा कीमा बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुका है, ये वेजिटेबल्स अब हाफ हो चुकी हैं, इट्स ऑलमोस्ट डन। और बहुत ही ज़बरदस्त देखें इसका कलर कितना अट्रैक्टिव है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी कीमा हमारा तैयार हो चुका है, अब हमें टाकोस को किस तरह फिल करना है और किस तरह हमें बेक करना है तो चलिए जी अब हम करते हैं टाकोस की फिल। सबसे पहले हमें 3 अदर टाकोस इस तरह लेने हैं और उसको साइड में कोई सपोर्ट देना है, ठीक है, ये है बेक करने के लिए एक मेथड हमारा। सेकेंड हमें चाहिए उसके लिए हमने आइसबर्ग सैलेड चॉप की है जो सबसे पहले हम अपने टाकोस के अंदर इसको लगाएंगे। एंड नेक्स्ट थोड़ा सा हमें चीज यूज करना है दोनों थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट हम इसमें अपना जो हमने स्वीट कॉर्न और रेड बीन पेपरिका के साथ कीमा तैयार किया था फिर इसमें इसकी फिलिंग आएगी। और 2 अदद हैं हमारे पास सॉसेस, एक है ज़ौर क्रीम एक है अवाकाडो सॉस, ये दोनों सॉसेस इसके ऊपर हमें टॉपिंग करनी है। नॉर्मली बेक टाकोस के लिए वाइट ज़ौर क्रीम इस्तेमाल होता है लेकिन हम गुआकामोले भी यूज़ कर सकते हैं या जो लोग सालसा यूज़ करना चाहते हैं सालसा सॉस वो भी यूज़ कर सकते हैं। 3 अदद मैंने टाकोस लिए फिल करने के लिए क्योंकि एक बहुत अच्छी शक्ल है और एक पर्सन के लिए 3 टाकोस इनफ होते हैं, तो आप जब भी बेक करें तो 3-3 को ही एक साथ करिएगा। तो चलिए जी देखते हैं कि किस तरह हम टाकोस को फिल करते हैं। फिलिंग के लिए सबसे पहले आपने आइसबर्ग सैलेड लेनी है, ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं नॉर्मल जितनी कि एक में आपकी फिलिंग भी आनी है इसमें। इस तरह आप आइसबर्ग सैलेड को लगाना है एंड थर्ड में भी।
ऐसा ध्यान रखना है कि स्ट्रेट रहें। जब आपने बेकिंग के लिए डालना है तो ये स्ट्रेट होने चाहिए, तो तभी ये एक कलर में, वरना मिडिल से ज़्यादा बेक हो जाएगा और साइड वाले जो है ना वो लाइट होंगे। थोड़ा सा हमें फिर इसमें मोज़रेला चीज़, चेदर चीज़ भी ऐड करना। अच्छी तरह प्रेस कर दें इसको। नेक्स्ट हमने जो इसका कीमा तैयार किया है अच्छी तरह प्रेस करके इसकी फिलिंग करें। टाकोस हमारे अच्छी तरह फिल्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट हमने लेनी है अपनी पहली सॉस जो मैंने आपको बताई, ज़ावा क्रीम। एक टॉपिंग हमें अपने तीनों टाकोस के ऊपर ज़ावा क्रीम की करनी है। एंड नेक्स्ट बहुत ही यमी ये सॉस होता है गुआकामोले, अवाकाडो फ्रूट के साथ ये बनता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, आप देखें जब आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत आपको ये मज़ा देंगे खाने में। एंड बच्चों को ये डिश बहुत पसंद आती है क्योंकि इतना ज़बरदस्त इसका लुक है, बहुत ही मज़े की ये डिश होती है। सॉसेस की टॉपिंग हमारे हो गई है इसकी। नेक्स्ट हम इस पे मोज़रेला चीज़ की टॉपिंग हम करेंगे। असल में यहाँ लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से आज मेरे पास क्रश जो है चेदर चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने स्लाइसेस को काटा है, तो ये मुझे अलग से लगानी पड़ रही है, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है मोज़रेला चीज़ और चेदर चीज़ जब हम मिक्स करते हैं। जो ब्लैक ऑलिव स्लाइसेस हमने लिए थे, ये अगर आप चाहें नहीं यूज़ करना चाहते ना करें, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं और एक बहुत अच्छा टेस्ट डिवेलप होता है चीज़ के साथ और बहुत देखने में भी अच्छे लगते हैं। चाहे तो यूज़ करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओवन हमने 180 डिग्री के ऊपर अपना गर्म किया हुआ है। अब हम चलते हैं इसको बेक करने के लिए। 180 डिग्री के ऊपर हमारा ओवन गर्म हुआ है ऑलरेडी। इसको हमें ज़्यादा देर बेक नहीं करना, जस्ट हमारा चीज़ मेल्ट हो जाए 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये बेक हो जाएंगे। ये देखिए जी, नेक्स्ट हमने आप इस तरह भी जैसे घर अपने फैमिली के लिए घर में बना रहे हैं तो इस तरह भी डिश में आप लगा सकते हैं। वो हमने जस्ट एक पर्सन के लिए, जैसे हम रेस्टोरेंट में बनाते हैं तो एक आदमी के लिए हम 3 यूज़ करते हैं नॉर्मली, इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें डिश में लगाना इतना मुश्किल नहीं है। एंड नेक्स्ट द सेम प्रोसेस हम अब इस पर भी अप्लाई करेंगे एंड फिर इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी नेक्स्ट बेकिंग के लिए हमने 6 टाकोज एक साथ लगा लिए हैं। आप भी इसी तरह सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस पे चीज़ डालेंगे एंड इसको भी सेम प्रोसेस जिस तरह हमने लास्ट टाकोस बेक किए थे इनको भी हम बेक करेंगे। अब चलिए देखते हैं हमारे दूसरे टाकोस भी बेक हो चुके होंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक
हमारे टैकोस, एक प्लेटर हमारा फॉर 1 पर्सन तैयार हो चुका है एज आई डू इन माय रेस्टोरेंट। ये देखिए 2 सॉसेस हमने इसके साथ सर्व किए हैं, जाओ क्रीम, अवोकाडो सॉस, आइसबर्ग सैलेड है, स्वीट कॉर्न, रेड बोनन के साथ। बहुत ही यमी ये डिश है नाजरीन। ये हमने नेक्स्ट बेकिंग के लिए हमने अपनी ये ट्रे तैयार की हुई है, जिसमें हमने 2 एक साथ हम बेक करेंगे। इस तरह भी किए जा सकते हैं। ये थे हमारे बेक टाको, आई होप इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा एंड प्लीज़ रेसिपी ट्राई करने के बाद हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज लेके आता रहूँगा। सो प्लीज़ एट द एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।